हेलो। Hi, I'm Gaurav. I'm not home right now. Leave your message and phone number after the beep. I might call you back. गौरव, मैं तुम्हें बार बार फोन नहीं करूंगी। प्लीज कॉल मी बैक। ये लड़के अपने आप को समझते क्या है? आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ देम। अरे, ये अकेले बैठे बैठे किससे लड़ रही है? तुम्हें कितनी बार कहा यार, तुम अकेले घर में बैठा करो। अकेले बैठ के आदमी पागल हो जाता है। आदमी पागल नहीं हो जाता, औरतें पागल हो जाती हैं इन आदमियों के चक्कर में। ओ, मतलब कि वो ही पुराना इश्क विश्क का चक्कर है। क्यों, क्या गौरव से झगड़ा हुआ फिर से? वो मिलेगा तो झगड़ा होगा ना। 2 दिन से पता नहीं कहाँ पर है, ना ऑफिस में है ना घर पर। एक फोन तो कर सकता था। सता रहा होगा तुझे। यार, तुम लोग की बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम है तो मैं सच में डर जाती हूँ। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है यार, बस एक नया दोस्त है। एक बात बताऊँ, हम चारों में से ना सबसे ज्यादा सुखी मैं हूँ। नो बॉयफ्रेंड, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है तुम लोग जेलसी में ना एक दिन मुझे मेरा मर्डर कर दोगे। स्पेशली ये जोक था। बहुत ही घटिया जोक था। नहीं, ये जोक नहीं था। हाय मीरा। रुको मीरा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अनु। ठीक है, तो फिर किसी और को दे दूँ? किसी को भी दे दो, पर सोनाली को मत देना। ऐसे घटिया जोक मारती है ना। ठीक है, तो फिर किरण को दे देती हूँ। आप जरा अंदर आएंगे प्लीज। सुनाइए किरण जी, अब तो मैं आपके हिस्से में आया हूँ। आप मुझे यहाँ रखेंगी या अपने कमरे में ले जाएंगी? कल मैं बहुत गुस्से में थी, तुम सब तो जानते हो। और इस गुस्से में मैंने तुम सबके साथ बहुत बदतमीजी की। लेकिन जब किरण और सोनाली मेरे लिए खाना लेकर आए तो मुझे रियलाइज हुआ कि तुम सब कितनी अच्छी हो। आई एम रियली सॉरी मीरा। संजय जब तक चाहे यहाँ रह सकता है, मुझे कोई एतराज नहीं। मीरा, एटलीस्ट थैंक्स टू अनु। मैं थैंक यू क्यों कहूँ इसे? मैं तो इसे गले मिलूंगी। तुम सबका प्यार देख के एक बात तो पक्की है कि हमने डैड का घर छोड़कर कोई गलत काम नहीं किया, वरना हमें इतने अच्छे दोस्त काम नहीं। अच्छा, कुछ खा ले यार, मुझे बहुत भूख लग रही है। शायद ये फोन मेरा होगा। 2 दिन सोने के बाद लगता है ये इंसान जाग उठा। हेलो, मैं मीरा से बात कर सकती हूँ? बोल रही हूँ, आप कौन बोल रही हैं? मेरा नाम शमा है। शमा? कौन शमा? तुम्हारे डैड की वाइफ और तुम्हारी माँ, सौतेली माँ।